आईपीएल 2021 के शुरू होने से पहले ही लगा बड़ा झटका। ईसीबी ने दी फैंस के दिल तोड़ने वाली जानकारी। नमस्कार दोस्तों, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को पुष्टि की है कि आईपीएल 2021 में शामिल जोस बटलर, एओन मॉर्गन, सैम क्रेन, टॉम क्रेन और इंग्लैंड के अन्य खिलाड़ी सीजन के दूसरे चरण में नहीं खेलते दिखाई देंगे। ईसीबी ने क्रिकेट निदेशक एशले जाइलस ने जानकारी देते हुए बताया है कि इंग्लैंड का T20 विश्व कप के पहले व्यस्त शेड्यूल है, ऐसे में हमने खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला किया। 54 टेस्ट और 62 वनडे खेलने वाले जाइलस ने यह भी घोषणा की है कि खिलाड़ियों को आराम की अवधि के दौरान कहीं भी खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इंग्लैंड जून में 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में न्यूजीलैंड से खेलने के लिए तैयार है, जिसके बाद वे श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत की मेजबानी करेंगे। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 14 सितंबर को खत्म हो रही है। इसके बाद इंग्लैंड T20 विश्व कप से पहले द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान दौरे पर रवाना होगी। व्यस्त कार्यक्रम में इंग्लिश खिलाड़ियों के लिए आईपीएल में भाग लेने के लिए कई समय है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में सितंबर के मध्य से अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह तक होने की संभावना है। जाइलस ने कहा कि हमारे पास एक पूरा कार्यक्रम है। बटलर, मॉर्गन, सैम, टॉम, जॉनी ब्रिस्टो, डेविड मिलान, क्रिस जॉर्डन, जेसन रॉय T20 टीम में चयनित चयनों में शामिल है। एओन मॉर्गन कलकत्ता नाइट राइडर्स की कप्तानी करते हैं, जबकि जोस बटलर राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी अहम खिलाड़ी हैं। बता दें कि भारतीय टीम का इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम टेस्ट 14 सितंबर को मैनचेस्टर में खत्म होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।